message, but starting this message, I give just tell a short story. So my story is that when you gave us the message to my wife Iram, and she asking me that Pastor Samina send me a message to deliver a message on a platform. So now just we started, okay, now we do that, okay, no problem. So suddenly we just starting, and Pastor Kamran giving the verses this and ask that to deliver the message on the heart of the believers. Mm-hmm. So just we read the verses, and now we just read the verses and just, oh no, this is very difficult. Oh no, this is very difficult. This is very difficult. But again, Iram message to you, Pastor Samina, and she asking, okay, now give a free hand. You just choose your topic and deliver the message. Now then we start again searching what we do, what we do, what we do. So now we just again, I just read the memories. Okay. Now, suddenly he asked me that, now, Pastor Kamran, every time tell us, I just do my individual prayer. I do my individual prayer. So now just we start. Okay, now the today topic is that Shaksi Abadat. So, humne us cheez ko jo sa tha apni zindagi mein liya ke, अगर पास्टर कामरान इस चीज को जो सा है मोटिवेट करते हैं, हमें कहते हैं कि जी आप अपने लिए खुद दुआ करें, हम आपको स्क्रिप्चर्स देंगे, आप उसके मुताबिक दुआ करें, आपकी जिंदगी में चंगाई आएगी, अच्छाई आएगी, आपकी जिंदगी खुद ब खुद ठीक होगी. तो हमने इसके बारे में सोचा, दोनों ने, मियां बीवी ने, कि हाँ नहीं, हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा करना है, कि कुछ ऐसे एक शॉर्ट सा हमने मैसेज तैयार किया और आज आपके सामने पेश करेंगे दोनों, कि इसके वसीला से जो उनसे बहुत सारी जानें बची और सीखें कि शख्सी दुआ क्या होती है, शख्सी इबादत क्या चीज है, हमने उसको किस तरीके से करना है, उसके कुछ हमने दो तीन स्टेप्स बनाए हैं. आई होप सो कि मतलब आप सबको इस मैसेज से बरकत मिलेगी और खुदावंद हमें भी बरकत दे और हमें अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करे. सो ओवर टू यू. शलोम एवरीवन. मैं खुदा की बहुत शुक्र गुजार हूँ कि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं प्लेटफॉर्म पर खुदा के उन लफ्जों को बयान कर सकूं जो खुदा ने कलाम में हमारे लिए लिखे हैं और बयान किए गए हैं. ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने कभी भी मैसेज डिलीवर नहीं किया और मैं शुक्र गुजार हूँ कि मुझे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि मेरे में ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं दूंगी. 19 नवम्बर 6:45 पे पास्टर कामरान पीटर ने, मैं अभी मीटिंग में बैठी थी तो उन्होंने कहा कि इरम अदील जो है ना मैसेज के लिए रेडी हो जाए, तो मैंने इस चीज को रिसीव किया कि मैं रिसीव करती हूँ कि मैं बहुत जल्द मैसेज दूंगी, लेकिन इतनी जल्दी खुदा मुझे आवाज देगा मैंने सोचा नहीं था. तो थैंक यू सो मच. आज का हमारा टॉपिक है शख्सी इबादत. मेरा ऐसा ईमान है कि हम रोजमर्रा की जो काम अभी का राज है वो सिर्फ इबादत है, ना के मूवीज देखना, ना के सॉन्ग सुनना, ना के ऐप जो करना, लड़ाई झगड़े करना, हसरत करना, ऐसा नहीं. अगर हम दुआ करते हैं तो ही हम कामयाब जिंदगी को पाते हैं, जो के खुदा के कलाम पर रोज गौरव फिक्र करते हैं वही कामयाब जिंदगी गुजारते हैं, ना के हम खुदा से दूर रहकर या किसी के कहने पर दुआ कर ली कि अच्छा पास्टर कामरान पीटर ने या पास्टर हारून ने हमें कहा है कि ये दुआ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो वो सिर्फ टेम्परेली हमारे साथ रहेगी और वो बहुत जल्द जो है हमारे से वो चीज दूर हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ किसी के कहने पे वो कर रहे हैं, ना कि अंदर से दिल से वो बात नहीं कर रहे. तो उसके लिए हमें जो है एक तरीका कार अपनाना है. हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि शख्सी इबादत के लिए क्या क्या हमें जरूरी है. सबसे पहले हम कलाम में से निकालेंगे पैदाइश 19:27 को. हाँ, पैदाइश 19:27 और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया
जहां वो खुदा के हजूर खड़ा हुआ था। इसमें हमें तीन चीजें मिली हैं, एक सुबह सवेरे का टाइम, एक जगह और एक खड़ा होके। मतलब तीन चीजें, एक तो हमें एक टाइम जो हम मुकरर करते हैं हमेशा खुदा के हजूर, हमें उसी टाइम के मुताबिक दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारा बाप हमारा इंतजार करता है कि इस वक्त पे इस बेटे ने मेरे हजूर झुकना है। वो हमारे इंतजार के लिए बैठ जाता है, ठीक है। और फिर हमें एक जगह मुकरर करनी चाहिए, जैसे इब्राहिम ने की थी कि वो खुदा के हजूर खड़ा होके दुआ करता था, और वो खामोशी के वक्त को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, ठीक है। खुदावन के हजूर खामोशी के वक्त इब्राहिम नहायत मिसाली हमारे पास जो है वो एक शख्सियत है। खुदा ने हमें जो है खुदा ने हमें ये फजल दिया है कि हम खड़े होकर चल फिर कर हम दुआ कर सकते हैं, हम घुटनों के बल जाके दुआ कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी पास्टर जी कहते हैं घुटनों के बल हो जाएं, खड़े होकर दुआ करें, चल फिर कर अपने सर पे हाथ रखें, अपने पेट पर हाथ रखें। इस तरह हम एक्टिव भी रहते हैं और हम खुदा के कलाम को भी सीखते हैं और दुआ करनी भी हम सीखते हैं। जैसे पौधों को बढ़ने के लिए खुराक हवा की धूप की जरूरत होती है, हमें अपनी नशोनुमा के लिए खुराक रोटी की पानी की जरूरत होती है, इस तरह हमें रूहानी जिंदगी के लिए भी खुराक की जरूरत होती है, और वो खुराक जो है वो दुआ है। जब हम दुआ नहीं करते तो हम वीकनेस फील करते हैं, लेकिन ये तब वीकनेस फील करते हैं जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं। मेरे साथ इस टाइम पे ऐसा होता है कि जिस टाइम पे मैं दुआ नहीं करती, जैसा कि मैंने 4 बजे का टाइम रखा है, तो मैं अगर एक दिन नहीं उठती तो मुझे सारा दिन उस चीज की परेशानी रहती है कि मैं नहीं उठ पाई, ठीक है। हमें जो वक्त खुदा के हजूर में मिलता है हमें उसके मुताबिक दुआ करनी चाहिए। शख्सी इबादत का मकसद हमारा सबसे पहला पॉइंट है, शख्सी इबादत का मकसद। ऐसा नहीं है कि हम बस बैठ गए हैं, हमने हाथ जोड़ लिए और हम इधर उधर देख रहे हैं, सोचे कुछ और हैं, हम ये कह रहे हैं अच्छा आज खाने में क्या बनाना है, अच्छा बच्चों को स्कूल भेजना है, अच्छा उसके कर्ज देना है, उसकी टेंशन है, उसकी टेंशन है। हमें दुआ में एक मकसद को लेके बैठना है, उस मकसद को लेकर हमने अपने बाप से बातें करनी है, ठीक है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम खुदा से ईमानदारी मांगे, इलम की रूह मांगे, हिकमत मांगे, अच्छा रोजगार मांगे, घर मांगे, कार मांगे, अच्छे रिश्तेदार मांगे, कि कोई ऐसा ना हमें हो कि जो हमें खुदा की राह से दूर करे। या जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं कि किसी ने किसी पे कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हमें किस चीज के लिए भी खुदा से दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो हमारे साथ अच्छे तरीके से, अच्छे दिल से चले, ना कि हमारे मुंह पे कुछ हो और हमारे बाद में कुछ हो, ठीक है। और ये सब चीजें जो है वो होनी चाहिए हमारी शख्सी दुआ में, ताकि हम जो है वो खुदा से जुड़े रहें। खुदा कहता है कि तू मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा, मैं कौमों को तेरी विरासत बना दूंगा, लेकिन सिर्फ मांगने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम चुप करके बैठे रहेंगे, हम ये आयत को याद रखेंगे, खुदा कहता है मैं तो तेरे मांगने से पहले जानता तो वो दे देगा, ऐसा नहीं है। उसने कहा है कि मांग तो मैं तुझे दूंगा, मैं कौमों को तेरी विरासत बना दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें मांगने की जरूरत है, और जब हम अपने मकसद को रखते हैं तो फिर हमें जो है शख्सी इबादत की तैयारी की भी जरूरत है कि हमने उसकी तैयारी कैसे करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस बैठ गए, जैसे हमने किसी फंक्शन पे जाना है या किसी बड़े अच्छी फैमिली में गेट टुगेदर है तो हम उसकी भी तैयारी करते हैं, किसी ऐसे इंसान को मिलना है तो हम उसकी भी तैयारी करते हैं, हम खुद को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, ड्रेसअप होते हैं। तो इसलिए जब हमने खुदा की हजूरी में आना है तो हमने उसकी भी तैयारी करनी है। अगर हमने खुदा के हजूर वादा किया है तो हम उसको पूरा करें, ठीक है, कि हम खुदा के हजूर में ये ना हो कि बस आज जो सीखा है उस पे गौर कर लिया, उस पे फिक्र कर लिया, लेकिन बाद में उस पे हमने गौर नहीं किया। ऐसा नहीं, रोज होना चाहिए, ये हमारी जिंदगी की डेली की रूटीन होनी चाहिए। जैसे हम सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं, हमें सुबह दोपहर शाम दुआ भी जरूर करनी है, ठीक है। और जब हमने दुआ के लिए उठना है तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, हम फ्रेश होने चाहिए। ऐसा ना हो कि खुदा की हजूरी में बैठे हैं और नींद के झटके आ रहे हैं और ध्यान इधर उधर जा रहा है, जमाइयां आ रही हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह फील होता है तो उसकी तैयारी के लिए हमें क्या करना है,
कि हमें मुंह हाथ धो लेना चाहिए ठंडे पानी से, चाय शाय पी लेनी चाहिए अगर सुबह के टाइम है, ठीक है, ये मुफीद चीजें हैं, ठीक है, और ये हमें खुदा के हजूर में जो है उस वक्त बहुत मुफीद कारामत बनाती हैं कि जब हम सुबह के टाइम सुबह सवेरे उठकर, जैसे इब्राहिम दुआ करता था सुबह सवेरे उठकर, हमें भी करनी चाहिए खुदा के हजूर। और खुदा ने इब्राहिम को अपनी नेमतों बरकतों से कितना नवाजा, खुदा ने कहा कि मैं आसमान के तारों को और जमीन के जर्रों को की तरह तेरी औलाद को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा तब होता है जब हम खुदा से दुआ करते हैं और खुदा के साथ चलते हैं, ठीक है। हम जब हम बैठे हैं, हमें सुस्ती फील हो रही है, घुटनों के बल चले जाएं, नींद आने लगे तो करवट बदल जाएं। इब्राहिम खड़ा होता था, आप खड़े होकर दुआ कर सकते हैं, चहलकदमी कर दुआ कर सकते हैं। हमारी सोचें इधर उधर ना हो तो हम बुलंद आवाज से दुआ करें, बुलंद आवाज से खुदा को पुकारें, ताकि अबलीस भी सुने और वो शर्मिंदा हो कि मैंने इसको नहीं छेड़ना, ये तो खुदा के साथ बहुत ज्यादा गहरे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम जब दुआ करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है उस चीज पे पूरा नहीं उतर सकते कि जो हमें एक दी जाती है, कि जैसे हमने 21 दिन का ऑल्टर रेस करना है, बीच में शैतान ने क्या कर दिया कि हमला कर दिया, बीमार हो गए, तबीयत खराब होगी, वीकनेस फील हो रही है, इस तरह से। तो हमने उस चीज की तैयारी के लिए खुद को पहले खुदा के हजूर पेश करना है। अगर हम उसको पूरा नहीं कर सकते तो हमें उसको रिसीव भी नहीं करना चाहिए। जब हम उसको रिसीव कर लेते हैं तो फिर उसको पूरा करने के लिए उसमें डटे रहना चाहिए, फिर ही हम अबलीस को शिकस्त दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस हफ्ता रख लिया, 10 दिन भूल गए, अच्छा ठीक है अब तो नहीं ऐसा हो सकता, मैं बीमार था, मैं कुछ भी था, नहीं। जब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो खुदा हमें हिम्मत ताकत देता है, खुदा हमारे हर तरह के बीपी लो को, हर तरह के हेडेक्स को, हर एक बीमारी को दूर करता है जब हम खुदा से मांगते और उसके साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। हमें अक्सर जो है वो थोड़ी देर के लिए खामोशी भी इख्तियार करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुआ में बैठे हैं तो हम बोलते जा रहे हैं, हमें थोड़ी देर के लिए खामोशी भी इख्तियार करके पाकरू की आवाज को सुनने की जरूरत है। पाकरू हमसे बोलता है, हमसे कलाम करता है, अगर हम सिर्फ बोलते जाएंगे तो पाकरू की तो आवाज सुन ही नहीं सकेंगे। जब आप दुआ कर लें तो कुछ टाइम के लिए खामोशी में बैठ जाएं, ठीक है। जबूर 46 उसकी 10 आयत, उसमें लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ, मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होऊंगा, आमीन। तो हमें खुदा की आवाज सुनने के लिए कुछ वक्त खामोशी में रहना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं खामोश रहना कि हर बार खामोशी से बैठ जाना, ऐसा नहीं है। बोलना भी है लेकिन कुछ वक्त के लिए, कि हम सिर्फ चुप करके बैठ जाएं, बस एक घंटा बस बैठे हैं, ना काम करने पड़े, ना कोई हमें आवाज दे, हम बैठे हुए हैं, पाकरू हॉर्न बोलेगा, ऐसे नहीं वो बोलेगा, ठीक है। पहले हमें दुआ करनी है उस चीज को लेकर, तो फिर वो कौमों को हमारी जो है वो मिराज बनाएगा, ऐसे नहीं वो बनाता, ठीक है। Over to you, वदील। और जैसा कि बताया कि जी खामोशी में जो सा है वो पाकरू आता है और आपको जो सा है मतलब मसा होता है और आप दुआ करते हैं, तो दुआ तो हम कर रहे हैं और खामोशी भी इख्तियार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ शख्सी दुआ के बीच में हमें बाइबल पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि दुआ कर लें और बस बैठ जाएं, जी खुदावंद मेरी सुन ले। सुनने का खुदा ईमानदार हैं, खुदा से मांगते हैं, खुदा जवाब देते हैं, लेकिन उसके कुछ तरीकेकार हैं, पैटर्न हैं, कुछ प्लान्स, कुछ स्ट्रेटजीज हैं। खुदावंद ने आपको रास्ता दिखाया है, सीधा रास्ता दिखाया है, उस पर चलें। खुदावंद का पाक कलाम आपको कभी भी गुमराह नहीं करेगा, वो आपको सीधी रास्ता दिखाएगा, सीधा रास्ते पे लेके जाएगा, आपकी जिंदगी को सरफराज करेगा। तो हमें चाहिए कि पाक कलाम को पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए शख्सी दुआ के लिए। तो उसके लिए ये है कि हम जब पाक कलाम को पढ़ते हैं, अगेन मैं फिर कहूंगा कि पास्टर अरुण और पास्टर कामरान हमें स्क्रिप्चर्स देते हैं कि जी आप ये पढ़ें, ये हमें क्यों देते हैं? इसलिए कि हमारी जिंदगी के रास्ते हमवार हों, सीधे हों, हम अपनी जिंदगी को उस पर चलें। वो एक ट्रैक हमें देते हैं कि हमने इस ट्रैक पर चलना है अपनी जिंदगी को संवारने के लिए,
अब हमारी जिंदगी के हकीकी मायने हमें पता चले कि भाई हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दे दिया स्क्रिप्चर्स दिया जी आपको पांच चार पांच बार पढ़े, हाँ जी पास्टर जी मैं पढ़ लेता, हाँ जी बस पास्टर जी से सहन कर देता मैं पढ़ लेता, नहीं उसको पढ़ें, उसको देखें कि उसमें आपके लिए क्या हुक्म है, आपने उस हुक्म को अगर मानना है तो फिर आप उस काम को करें। आप देखें कि पाक कलाम में आपको क्या कुछ मिलता है, वैसे तो पाक कलाम आप जब भी पढ़ेंगे आपको हर दफा कोई ना कोई नई चीज मिलेगी और वो आपकी जिंदगी को बदलेगी, इसलिए आपको चाहिए कि पाक कलाम में जो लिखे हुक्म है उन पर अमल करें, नई बातों को सीखें, अपने गुनाहों का इकरार करें, माफी मांगें, खुदावंद के हजूर घुटनों पर जाएं, दुआ करें कि खुदावंद पाक कलाम में से मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसको मेरी जिंदगी पे इंप्लीमेंट करें, 23 जबूर की बरकत मांगें, 35 जबूर, 27 जबूर, 131 से 121, खुदावंद ने बेबहा चीजें हमें पाक कलाम में दी, आप पढ़ें, खजाने हैं, हासिल करें, अपनी जिंदगी को बदलें। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आते हैं, सीखते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, भाई आप ये काम करें। मैंने कभी किया, मेरे बिल्कुल घर के साथ चर्च है, लेकिन मैंने कभी इस किस्म का कोई मैसेज डिलीवर नहीं किया, क्यों नहीं किया, मुझे प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा, हो सकता है कि मुझे मेरे पास वो नॉलेज हो लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है इसलिए मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा। ये सारी चीजें, थैंक यू वेरी मच पास्टर कामरान कि आप ये अपॉर्चुनिटी देते हैं हर एक इंडिविजुअल पर्सन को कि मतलब वो ये काम करें और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ साथ जब हमने ये बाइबल पढ़ते हैं शख्सी दुआ के लिए तो हमें चाहिए ये बातें जो सी है मेरी जिंदगी में आए और वो दुआ करें आप अपने लिए कि क्योंकि आपके पास दुआओं के अल्फाज जो से वो बहुत दफा ऐसा होता है कि खत्म हो जाते हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी दुआ के साथ अपने बाइबल्स के जो आप अल्फाज जो स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं उनको अपनी दुआ का हिस्सा बनाएं ताकि आपकी दुआ में वो ब्लेसिंग आए और आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें, क्योंकि खुदावंद का कलाम बहुत पावरफुल है, हमें चाहिए कि ये हमारे दिल में रहे। और इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी शख्सी इबादत के लिए वक्त के लिए प्लान करना, शख्सी इबादत के वक्त के लिए प्लान करना। तो वो प्लान क्या हो सकता है हमारे जिंदगी में, वक्त का तयन तो हमने करना है, हमें मालूम है कि जी हमने 4 बजे उठना है, इब्राहिम जो था सुबह सवेरे उठता था, वो दुआ करता था हमारे लिए, मतलब खुदावंद ने उसको ये हिम्मत और ताकत दी कि वो सुबह सवेरे उठे, एक मखसूस जगह दी कि वहां पे जाए दुआ करे, और खुदावंद ने सेहत याबी दी कि वो खड़ा होकर दुआ करे। तो खुदावंद ने हमें भी ये सारी चीजें दी हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं हमारी जिंदगी में, हमें चाहिए हम सुबह सवेरे उठें, अपने घर में एक कमरा बनाएं या एक ऑल्टर अरेंज करें जहां पे हम खड़े होके उसके आगे दुआ करें, अपनी जगह को मखसूस करें, अपने घर को, हमारी जिंदगी हमारा एक टेम्पल है, हम जगह नहीं है जी हमारा घर छोटा सा, नो इशू नो प्रॉब्लम, आपकी जिंदगी ही आपका एक टेम्पल है, आप इसमें गुनाह ना करें, हुक्म अदुली ना करें, छोटी छोटी बातें आप उनको छोड़ दें, अपनी जिंदगी में प्लान करना है आपने अपनी जिंदगी के, आपकी ये फाइनल मरहले हैं, ये बिल्कुल एक फाइनल स्टेप है जहां पे आपने इन चीजों को प्लान करना है, आपकी जिंदगी फुल ऑफ प्लान होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब आपके सर पर कोई चीज आए तो आप सोचें मैं की कर रहा अभी मैंने तो पता ही कोई नहीं, आप खुदा के लोग हैं, आपको चाहिए कि आपकी जिंदगी फुल ऑफ प्लान्स हो, आपके आगे कोई भी हर्डल्स नो प्रॉब्लम, गॉड विद मी एवरीथिंग इज फाइन, खुदा मेरे साथ है, और ये जिंदगी के हमारे ये वक्त का तयन हमारी जिंदगी में खुद करना है, खुदावंद को टाइम देना है, अपनी शख्सी इबादत के लिए हमने खुद का टाइम लेना है, मैं 3 बजे कर सकता हूँ, मैं 2 बजे कर सकता हूँ, मैं 5 मिनट कर सकता हूँ, मैं 10 मिनट कर सकता हूँ, मैं रस्ते में जाते हुए, मैं बाइक पर जाते हुए दुआ कर सकता हूँ, ये आपका खुद का टाइम है, आप इसको खुद प्लान करें। खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल में भी कभी ऐसा नहीं लिखा कि जी दुआ आपने एक जगह पे करनी है और 3 बजे करनी है, इसके अलावा आप दुआ ना करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा, आप दुआ करें, आप चलते फिरते दुआ करें, आप बाहर जाएं, अंदर जाएं, आउटिंग पे जाएं, व्हाटसोएवर व्हाट यू आर गोइंग ओवर देयर,
नो प्रॉब्लम जी, आप दुआ करें और खुदावंद आपकी दुआओं को, आपके प्लान्स को जो आपकी जिंदगी में है, खुदावंद उनको पूरा करेगा और आप जो है ये सारे काम करेंगे, बाइबल पढ़ना, फिर दुआ करना, और ये सारी जिंदगी की जो चीजें हैं ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती जाएंगी, आपकी शख्सी दुआ का जो है भाई पार्ट ऑफ दिस लाइफ, मतलब आपकी शख्सी दुआ का जो है वो हिस्सा बनती चली जाए। और इन सारी चीजों के लिए कि शख्सी इबादत में आपने दुआ किस किस्म की करनी है, ऐसा नहीं है कि बस जो दुआ आपको आती थी चार अल्फाज, खुदावंद मुझे रोटी दे और आमीन, नहीं, आपको चाहिए कि आपके अब आपको स्टार्टिंग से जो सा वो पता चलना चाहिए आपकी तैयारी क्या थी, आपके मकसद क्या थे, आपकी जिंदगी की जो परेशानियां हैं आप उनको एक राइट डाउन करें, एक पेपर पे लिखें, उस पेपर को अपनी बाइबल का हिस्सा बनाएं। आप जब भी दुआ करें अपने उन मकासद को, अपनी उन सारी परेशानियों को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपनी दुआ में रखें। जब आप बाइबल पढ़ते हैं पहले दुआ करें, बाइबल पढ़ें और फिर दुआ करें, ताकि आपके जिंदगी के जो प्लान्स हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो आपकी जिंदगी। ऐसा ना हो कि मतलब आप बस दुआ की, खुदावंद मुझे रोटी दे, दैट्स इट, आमीन, मैंने खुदावंद 23 ज़बूर पढ़ना था पढ़ लिया क्योंकि मुझे पास्टर कामरान ने कहा था, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने जब आप शख्सी दुआ कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि मुझे दुआ करनी है और खुदावन मैं तेरी हुजूरी को मांगता हूं, और फिर पाक कलाम में से जो स्क्रिप्चर्स आपको दिए हैं ऑब्वियसली खुदा के खादम है उनकी, वो आपको प्रॉपरली बताते हैं क्योंकि उनको पाकरू बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैं अभी पिछले दिनों कल या परसों की जो मीटिंग थी उसमें मैं देख रहा था कि मतलब लोग कहते हैं कि जी ये आज ही टेवे ला देने, जादू कर देने जी, या कर लोगों की बातें जो सी हैं वो लोगों की बातें हैं, ये दुनिया है, ये सारे दुनियावी मामलात हैं, जिसने ट्रस्ट करना करे, जिसने नहीं करना ना करे, भाई घर को जाए कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये खुदा के खादम है। आपको कुछ जो कुछ भी पढ़ने के लिए कह रहे हैं पाकलामे से पढ़ने के लिए कह रही है ना कि उन्होंने तो अपनी बुक पब्लिश कराई हुई है या पीछे मेरी बुक फाड़ लो वजह पढ़ लेना, पाकलामे से कहते हैं कि आप ये स्क्रिप्चर्स पढ़ें इससे आपकी जिंदगी सवरेगी ना कि मेरी, उनकी तो सवर गई हुई है, उनको तो पता है कि खुदावन यसू में हमारे साथ हैं, यहोवा का हाथ हम पर है, दैट्स इट, आपने करना है तो कर ले, नहीं करना तो ना करें, आप घर को जाएं, हम तो नहीं आपको बुला रहे कि आप आए जी हमारे प्लेटफॉर्म पर बैठे और दुआ करें। ये शख्सी इबादत आपके खुद की है, इसलिए आप अपने लिए दुआ करें, पाक कलाम को पढ़ें अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, आपको चाहिए क्योंकि खुदा तरतीब का खुदा है तो आपको तरतीब से पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि जी दुआ की थी ए खोली बाइबल बीचों इधर वाले सब होता निकले ऐज करके ए पढ़ लेता आदि आदि आदि, खुदा तरतीब का खुदा है, हमें तरतीब से पढ़ना है ताकि हमें सारा कुछ पता चले। और अब आगे एक और बड़ी अच्छी चीज खुदावन यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में पहले से एग्जीक्यूट की थी, प्लान की हुई थी, कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें कलाम दिया लेकिन स्टोरीज के हिसाब से, क्यों, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू फैक्ट देखें तो जब आप कुछ चीज सीखते हैं, मतलब जैसे लेट सपोज के यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे प्लेटफॉर्म पे अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग मी कि मतलब मूवीज बहुत पसंद है, तो मूवीज हमें कैसे याद रहती है क्योंकि उनकी स्टोरीज होती है, तो खुदावन यीशु मसीह ने ये काम पहले से कर दिया हुआ था हमारे लिए कि हमें जो पाक कलाम दिया उसमें स्टोरीज थी ताकि हमें याद रहे। तो हमें खुदावन के पाक कलाम में जो स्टोरीज हैं उनको अपने दिल और दिमाग में रखें ताकि हम पाक कलाम से दूर ना जाएं, पाक कलाम की बातें हमेशा हमारे दिल में रहें, ये खुदावंद का घर बनकर रहे हमारी बॉडी, ये हमारी शख्सी इबादत के अंदर, शख्सी दुआ के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वर्ड हो और बस ठीक है जी ये कह दिया वो कह दिया, नहीं। अगेन हमारे लिए सबसे पहला शख्सी इबादत में हमें दुआ करनी है, बाइबल को रीड करना है तरतीब से ताकि हमें हर वो बात याद रहे जो तरतीब से खुदावंद ने हमारे लिए लिख दी, और फिर दुआ करें अपने तमाम उन मकासद के लिए जो हम अपनी जिंदगी में मांग रहे हैं शख्सी दुआ में कि खुदावंद हमारे लिए ये सब कुछ करें,
ताकि हमारी जिंदगी जो है वो सवर जाए, हमारी जिंदगी की मुश्किलात खत्म हो, हमारी जिंदगी की तमाम हर्डल्स जो है वो जाती रहे हमारी जिंदगी में से, बेरोजगारी जाए, नाकामियां, मायूसियां, नाउमीदियां, ये जाती रहे हमेशा के लिए। क्योंकि मेरे खुदावन हम आपके लोग हैं, हम आपके साथ चलते हैं, हम आपके मानने वाले हैं, आपने हमारी खातर सलीब पर जान दे दी हुई है। अब इन परेशानियों का, इन हर्डल्स का, इन नाउमीदियों का हमारी जिंदगी में कोई काम ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी शख्सी दुआ को इस कदर स्ट्रांग बनाए कि हम अपनी इन परेशानियों से, इन सारी दुखों से, तकलीफों से रिहाई पाएं और खुदावंद के नाम को इज्जत, जलाल, वकार और सरफराजी हमेशा मिलती चली जाए। ओवर टू यू। मकसद हो गए, तैयारी हो गई, प्लान हो गया, बाइबल भी पढ़ ली हमने, बाइबल के मुताबिक हमने ये भी देख लिया कि अच्छा पहले दुआ करनी है, फिर हमने बाइबल पढ़नी है और फिर दुआ करनी है, और वो जो हमने मैसेज पढ़ा है, जो बाइबल की आयतें पढ़ी हैं, उनको हमने अपनी दुआ में भी ऐड करना है। ठीक है, शख्सी इबादत में दुआ, काफी जगह पे दुआ आया आया आया, ठीक है, लेकिन दुआ जब करनी है तो ये नहीं कि हम दुआ कर रहे हैं और साथ साथ भूलते जा रहे हैं कि हमने खुदा से क्या मांगा था, क्या इल्तिजा की थी, और अगर हमने की थी तो अगर वो पूरी हो रही है तो जब पूरी हो रही है तो हम भूलते जाएं कि अच्छा खुदा को मंगिया सी, पूरा हो गया, अच्छा फिर अगे कदम बढ़ा लो, हुन फिर और मांग लो, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी ना कर। ठीक है, जबूर 50 उसकी 15 आयत में लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। हालेलुया, तमजीद करेगा, हमें खुदा की मदा सराही करनी है, हमदो सिताइश करनी है। खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करे, उसकी प्रस्तिश करे। प्रस्तिश को हमने अपना एक दुआ का हिस्सा बनाना है। ठीक है, कलाम पढ़ लिया, दुआ कर ली, प्रस्तिश से खुदा की हजूरी आती है। जब सुनील भाई जब प्रस्तिश करते हैं तो इतनी खुदा की हजूरी होती है, साथ में वो प्रीच भी कर रहे होते हैं, उनकी मिसेस के साथ में होती है, तो इतना मसा होता है प्रस्तिश से कि आग के बॉडी में से हीट निकल रही होती है, मेरे खुद के ये कान जो है वो गर्म हो जाते हैं, फेस रेड हो जाता है कि खुदा की इतनी हजूरी होती है प्रस्तिश के साथ। ठीक है, फिर जो हकीकी दुआ की कीमत अदा करनी पड़ती है, इसके लिए काफी वक्त दरकार होता है कि हमें एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आज दुआ की और कल पूरी हो जाए, ठीक है, और फिर ताकि हम खुदा को भूल जाए। खुदा भी हमसे हमारी डोर को ढीली छोड़ता है। ठीक है, हम दुआ करते जा रहे हैं और वो सुन रहा है, लेकिन वो एक टाइम मुकर्रर है जब खुदा ने उस चीज को पूरा करना है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, ठीक है, और बेबी नहीं है, सब कहते हैं क्यों नहीं है, ट्रीटमेंट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मैं नहीं ट्रीटमेंट करवाती, मैं कहती हूँ तो खुदा ने मेरे लिए एक वक्त मुकर्रर किया है जब उसने मुझे औलाद की नेमत देनी है, तो वो उस वक्त पे देगा, चाहे मैं मेडिसिन खाऊं, चाहे मैं कहीं पे भी चली जाऊं, वो मुझे नहीं मिलेगी जब तक के खुदा के प्लान में नहीं, उसके लिए वो इंतजार देखता है। खुदा ने मेरा, मैं अक्सर अपनी मामा से भी ये बात करती हूँ कि खुदा ने मेरा 29 साल वेट किया, मैं 29 की हूँ, तो मैं अब खुदा में आई हूँ, मैंने अब खुदा के कलाम को उस तरह से जाना है, मैंने अब उस तरह से खुदा की हजूरी को महसूस किया है। मैं पहले भी प्लेटफॉर्म पे इस दुआ ही को दे चुकी हूँ कि मैं वो थी कि जो हर टाइम गाने सुनना, किचन में काम कर रही हूँ, कहीं पे भी काम कर रही हूँ, गाने सुने बगैर मेरा गुजारा नहीं, मूवीज देखनी और फिर स्टोरीज को बड़े गौर से याद रखना और फिर अदील को कहना कि इसका पार्ट 2 कब आ रहा है, जब भी आएगा लेके आना, ठीक है, मैं मुझे देखना है। मैंने काफी ऐसी मूवीज हैं जिनके मैंने पूरे पूरे पार्ट देखे हैं और मैं मुझे स्टोरीज याद रहती थी, यहाँ तक कि अदील भूल जाते थे लेकिन मुझे नहीं भूलती थी, इस कदर मतलब मैं क्रेजी थी और इस तरह मैं खुदा से बहुत दूर थी। मेरी मदर इन लॉ जो है वो इस बात से बड़ी खुश होती है कि इरम अब सुबह सुबह उठ के गीत लगाती है, किचन में काम कर रही होती है तो गीत लगाती है, मीटिंग हो रही होती है तो मैं किचन में भी काम कर रही होती है तो मैं मीटिंग ऑन करके फोन पास रख लेती हूँ, तो वो प्रेयर करती है इस चीज के लिए। वो मुझे कहती तो नहीं थी कि जाहिर सी बात है कि मैं बहुत ही उन्हें ये था ये गुस्सा ना कर ले, लेकिन अब मुझे फील होता है कि शायद उन्हें उस टाइम पे बुरा लगता होगा कि इरम गाने ला के सुनती रहती है, दुआ नहीं करती है लेकिन
मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि अब वो बड़ी खुश होती है इस चीज से कि इरम सुबह उठती है, गीत लगे रहते हैं हमारे घर में, यहाँ तक कि मैंने मुकाशवा 4 बाब 5 बाब डाउनलोड करके रखा है, 18 जबूर 35 जबूर, तो वो चलते रहते हैं हमारे घर में। तो जो दुआ करना है वो एक हर रोज दुआ करना जो है ना असल इम्तिहान है, और खुदा के साथ मोहब्बत का सबूत मिलता है, खुदा को पता चलता है कि हाँ ये मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे पास लौट आई है, इसको मेरे से प्यार है। मैं खुदा का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस तरह से चुना है कि मैं कुछ भी नहीं थी, खुदा को मेरी इस चीज की भी फिक्र थी कि ये बेटी वजन उठाती है। अभी कुछ दिन पहले पास्टर जी ने मतलब इस चीज पे प्रोफेसी की कि कोई बेटी है जो वेट उठाती है, सोचती समझती नहीं है, तो मैं अभी सोच ही रही हूँ मैं हाँ ऐसा करती हूँ, तो उधर से पास्टर जी ने कह दिया इरम आप समझ रही हो ना मेरी बात को। तो मैंने इतना खुदा का शुक्र किया कि खुदा मेरी इतनी बात की भी फिक्र करता है कि उसको इंतजार था कि इरम अब आएगी मेरे पास, अब आएगी। मैं दुबई में थी तो अदील मुझे कहते होते थे दुआ किया कर, इन्होंने दुआ करके सेंड करनी, तो गौर नहीं करती थी, अपने काम में बिजी रहती थी, इधर उधर ध्यान किया कह दिया हाँ सुन लिया सुन लिया, सुनती भी थी, सुन के आमीन बोल देती थी। लेकिन एक वक्त मुकर्रर था जब खुदा ने मुझे चुनना था, ये प्लेटफॉर्म मिलना था मुझे, मुझे रूहानी बाप मिलने थे और मेरी जिंदगी बदलनी थी, मुझे इतना अच्छा ये सब कुछ मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। सबसे पहले हमारे घर में जो है मेरी अम्मी ने मीटिंग स्टार्ट की, तो अम्मी मुझे कहती हैं कि ऐसे मेरे कोल आके बैठे मीटिंग है, तो अदील कहते हैं कि नहीं ऐसी नहीं लानी अदील कहते हैं नहीं ऐसी नहीं लानी रहन दो, मुझे कहते हैं कि तूने नहीं बैठना, अम्मी कहती है कि तू चुप करके आ जा मेरे को, तो मैं अम्मी की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अदील के भी अगेंस्ट नहीं जाती जल्दी, जब तक ये किसी काम में हाँ ना करें तो मैं वो नहीं करती, चाहे उसमें फायदा नुकसान है, मैं इंतजार करती हूँ कि अदील हाँ करे। यहाँ तक कि मैंने अपने पेरेंट्स के घर भी जाना हो तो अदील की हाँ का मैं इंतजार करती हूँ कि नहीं ये इधर से हाँ होगी तो ज्यादा खुशी होगी मुझे। तो फिर अचानक से एक दिन मैंने कहा हम लेके देखते हैं ना, इतना मजा आता है, वो मैं अम्मी ले रही होती तो मैं सुनती हूँ चलते फिरते, तो हम लेते हैं, तो कहते हैं अच्छा चल ठीक है, तू एक तो बहुत तंग किया है मैंने इस तरह इन्होंने बोला। हमने मीटिंग स्टार्ट की, वो दिन गया और आज का दिन के रूटीन में हम लेते हैं, अदील नहीं भी होते तो अदील ड्यूटी पे होते हैं, क्लास में होते हैं, तो मैं मीटिंग लेना नहीं बोलती। तो शुक्र करती हूँ खुदा का कि खुदा ने चुन लिया, खुदा ने एक इम्तिहान था जो लेना था और उसको प्यार का सबूत मिल गया, तो खुदा ने चुन लिया, खुदा ने कहा कि बस बहुत मौज कर ली थी तू होना जा मेरे को बस जब हम दुआ करते हैं, फिर मैं अपने दोबारा उस टॉपिक पे आती हूँ कि जो हमने मांगना है भूल नहीं जाना, कि खुदा ने पूरा कर दिया है तो अब हम भूल जाए, हमें उसकी एक फरिश्त बनानी चाहिए कि हमने खुदा से ये मांगा है, हमने घर मांगा है, हमने गोल्ड मांगा है, हमने औलाद की नेमत मांगी है, हमने गाड़ी मांगी है, हमने ये सब कुछ मांगा है, उस फरिश्त को बनाए और जैसे जैसे मिलती जाए आपको उस पर टिक करके खुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए। दुआ चाहे हम छोटी और सादा करें लेकिन पुरखलूस करें, ठीक है, और खुदा से हम ऐसे बात करें जैसे हम अपने बाप से बातें करते हैं, जैसे हम कहते हैं पापा मुझे ये चाहिए तो पापा देते हैं, पापा से मांगते हैं तो पापा देते हैं, तो इस तरह हमारा जो रूहानी बाप है जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने हमें अपनी शबी पे बनाया, वो हमें कैसे इनकार करेगा। लेकिन जब हम मांगेंगे तो दुआ में जब हम दुआ करें तो चार बुनियादी चीजों को जरूर हमें अपनी दुआ में याद रखना है। सबसे पहले हमें मदा सराही करनी है, ठीक है, हमदो सिताई जरूर करें, फिर इकरार करें उन चीजों का जो खुदा ने हमारे लिए अपनी अपनी जान सलीब पर दी ताकि हम निजात पाएं, हम गुनाहों से आजाद किए जाएं, हमारे रास्तों में जो कांटे हैं उन्होंने वो चुन के उसका ताज बनाकर अपने सर पे पहन लिया कि मेरे बच्चों के रास्ते में वो कांटे भी ना आए, कितना प्यार करते हैं जीसस क्राइस्ट हमसे, ठीक है। फिर हमें उन चीजों की, हमें यीशु के लहू की शुक्रगुजारी जरूर करनी चाहिए, मुनाजातें अपनी जरूरत होनी चाहिए, हमें इन चार बुनियादी चीजों को जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। जब हम पूरी तरह से खुदा के हजूर में आते हैं तो खुदा हमारी सुनता और जवाब देता है, ठीक है, वो अपने वादों का सच्चा खुदा है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने हमें बहुत ही
छोटी जगह से भी उठा के अपनी पनाह, अपनी बाहों में पनाह देता है। वो ये नहीं कहता कि ये छोटे घर में रहता है, ये ऐसा है, वो वैसा है। नहीं, वो सबसे प्यार करता है। वो हम सबके लिए आया और उसने हम सबके लिए अपनी जान से ली थी। आज हम निजात याफ्ता हैं, आज हम शिफा के काबिल हैं, आज हम हमारे पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि हमने सिर्फ 5 टाइम दुआ करनी है और उसके बाद हम नहीं कर सकते। हमने वेट करना है किसी आवाज का और उस आवाज को सुनते ही हमने दुआ करनी है। नहीं, हम चलते फिरते 24 घंटे दुआ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने सलीब पर हमारे लिए जब जान दी, उसके उस लहू से हमने शिफा पाई और हर एक वो जो गुनाह थे, जो कर्ज थे, हमारी जिंदगियों से मिट गए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आमीन। मदद दुआ करें आप। ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक जिसपे हमने आपको थोड़ा सा प्रीच किया। आई होप सो कि मतलब सबको बहुत पसंद आया होगा। तो अब हम दुआ मैं कुछ करते। कहना चाहती हाँ जी जरूर। हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शख्सी इबादत का जो मेरे माइंड में आया, अक्सर हमारे जो पास्टर साहिबान है वो अक्सर कहती हैं, जैसे परसों की बात है कि पास्टर हरमुन कहते हैं कि हम रात में प्रेयर कर रहे थे पूरी फैमिली में और मेरे जहन में ख्याल आया कि कोई आजाद हो रहा है, तो उन्होंने मतलब वॉइस मैसेज सेंड किया। पास्टर जी अक्सर कहते हैं कि मैं मतलब घंटों घंटे दुआ करता हूँ, यहाँ तक कि पास्टर समीना कहती हैं कि बस भी कर दें, अब सो भी जाए, तो पास्टर जी कहते हैं कि नहीं, अभी कुछ बाकी है। कि हाँ मतलब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए आना होता है तो उसके लिए वो पहले बहुत तैयारी करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोए उठे उठ के आगे अपने काम खत्म किए और इधर आ गए। नहीं, हमें पता है, मैं इस चीज को समझती हूँ कि वो हमारे लिए बहुत बहुत टाइम दुआ में गुजारते हैं, फिर ही खुदा हमसे बातें करता है, हमारे बारे में उन्हें बताता है कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ये कह दो। तो जाहिर सी बात है, आप हमारे आइडियल हैं, हम आपको फॉलो करते हैं। तो शख्सी दुआ जब आप करते हैं, मतलब जब आप इतनी देर रहेंगे तो उसको शख्सी दुआ ही कहेंगे। तो फिर हमने इस बात पे गौर फिक्र किया कि जो है हमें भी ऐसा करना चाहिए, हम इसको डीपली सीखते हैं ताकि हम भी उस चीज को अपनी जिंदगी में लेके आए, ताकि हम भी कल को कह सकें कि हाँ, हम अपने आइडियल्स को जो है फॉलो करते हैं और 4-4 घंटे जो है दुआ आमीन आमीन करते हैं। आमीन। शुक्र है खुदा का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आमीन, दुआ कर लो। हाँ जी, पाकलाम के लिए हम दुआ करेंगे। खुदावंत की हजूरी में जाते हैं। कदूस 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 खुदावंत खुदा जो था और जो है और जो आने वाला है। मेरे खुदावंत, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंत। और खुदावंत शुक्र गुजारी करते हैं कि खुदावंत तूने अपने अल्फाज हमें दिए और खुदावंत हमने तेरे पाक कलाम को खुदावंद लोगों तक डिलीवर किया। और खुदावंद तेरे इस पाक कलाम के वसीला से खुदावंद लोग 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके हैं। और खुदावंद तो इस पाक कलाम के वसीला से लोगों की जिंदगियों को बदले। और मेरे खुदाया, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम लोग जिनकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख तकलीफ है खुदावंद, तू खुदावंद अपना शिफा वाला हाथ बढ़ा, अपना मोजजात वाला हाथ बढ़ा और खुदावंद तमाम लोगों की परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को, रोगों को खुदावंद खत्म कर, क्योंकि तूने हमारी खातिर सलीब पर जान दी और खुदावंद तूने हमें शिफा बख्शी है। हमारी जिंदगी में से हर तरह का दुख तकलीफ परेशानी जाती रहे। और मेरे खुदावंद, मैं तुझसे दुआ करता हूँ अपने खादमीन के लिए खुदावंद, पास्टर कामरान, पास्टर समीना, पास्टर हरून, पास्टर शगुफ्ता के लिए खुदावंद। तो इन चारों खुदावंद सूरमाओं को खुदावंद, ये तेरे शेर बब्बर है खुदावंद, तो इनको संभाले रख खुदावंद, ये हमारे सरों पर हमेशा इसी तरह कायम और दायम रहे। और खुदावंद हमें तेरे पाक कलाम की बातों से सेर करते रहे। और मेरे खुदावंद, ये जो कुछ भी हमें सिखाए मेरे खुदावंद, वो हमेशा हमारे दिल और दिमाग पर खुदावंद छाया रहे। और मेरे खुदावंद, इनके वसीला से खुदावंद और बहुत सारी जानें बची। और खुदावंद ये प्लेटफॉर्म खुदावंद बहुत सारी जिंदगियों को खुदावंद अच्छी जिंदगी और खुदावंद तेरे जलाल से भरी हुई जिंदगी खुदावंद, मेरे खुदावंद तो हम दोनों मियाँ बीवी के साथ हो, हम दोनों मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत यगानगत को खुदावंद इसी तरह बढ़ाए रख और अपने जलाल के लिए खुदावंद हमें इस्तेमाल कर। मैं सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे जिंदा जलाली और कदूस नाम से। आमीन।